बच्चा कहाँ से आए हो आप? जिला मुजफ्फरनगर गांव लाल लुखेड़ी सिसोदिया के पास। जी। हम आए मोदी जी तेरी तोप कड़े, हम दिल्ली आ गए। अरे जब भेजना भाजपा को सब लोग बेईमान लोग धरती में उतार देंगे, उधर भेज दिए तेरे आज को उन्हें भाजपा के में विधायक पिधायक आ करो दिखा दो चमड़ी उतार देंगे चमड़ी इनके भाजपा के हम। और गंडे में 6 साल तक रवानी बढ़ा, 6 साल तक एक रवानी बढ़ा इन्हें मोदी ने। सर कौन से विधायक आए थे यहाँ? अरे भाई कौन सा बता दो, नंद किशोर आ था, लू कहता भागो इंटर पत्थर बरसवाए मारे बाबा टिकेट पर और गलत सलत बोल जा। वो कब की बात है ये बात बताइए भाई, कद की ये है? दो दिन पहले की 27 तारीख की, दो दिन पहले की 27 तारीख अगर मर्द के बच्चे में इब्जा आ जाओ भाजपा वाले, ठीक है के? अगर वे मर्द के बच्चे हैं इब्जा आ जाओ, इब्जा छा दो मैं, हम मान जाएंगे हम कुछ नहीं है किसान। इसे मोदी को भगवान नकल देना, ये कानून खत्म कर दे, नहीं इसका टाइम खराब है। विधायक जी तो कह रहे थे कि हम बाहर थे। अरे गाली दे रहे थे, हम तो ही थे गाली दे रहे थे, पत्थर मार रहे थे, भुंडा काम करा। फिर चौधरी साहब का अस्तु आ गया, बस चढ़ गई दुनिया, पूरा भारत आ गया। चौधरी साहब तो स्टेट पर बैठे थे जिस वक्त, जो है अस्तु पड़े उनके, जिस पूरा भारत नूता। जैसे आपने कहा यहाँ पर विधायक जी आए थे, पत्थर चलाया था, उस वक्त टिकैत साहब जो है मंच पर थे। अरे उसके जी मंच पर थे, उसके बाद में फिर मारे गलत सलत बोल दिया, झंडे फहरा रहे भाजपा के, ये फुरवा दाना झंडे। मैं उस दिन जो है 12 बजे रात को यहाँ से गया हूँ, 12 बजे दिन से यहाँ पे मौजूद था, इसके बाद मैं यहाँ से 12 बजे गया हूँ, क्या कहना चाहेंगे? और वो महाराज नंद किशोर वो है को करे वो बंद कर रखा है उन्होंने, जो नंद किशोर है जाने पत्रकार, वो बंद क्यों कर दिया भाई? वो दो बात मारी कह दे, वो सही सच्ची कह, वो बंद कर दिया तब मारे बेटे हो जी। और उसे हम छुटवा मांगे, हम थारी गए हैं बेटे, और मारी सही बात दिखाओ जी, ठीक है बेटा? क्या इस वक्त सोशल मीडिया सही बात नहीं दिखा रहे? इब दिखा रही बेटे, बिल्कुल सही बात दिखा रही, मीडिया मारे तो है और हम मीडिया के हैं। उस लोमडे को बंद कर रखा होगा, छुटवाओगे हम कल को? बाबा ने भी कह दिया टिकेट ने, बोला जो लोमडा बंद कर रखा होगा छोड़ दो, अन्य कल को रणनीति बनेगी। सर जो ये आरोप किसानों की तरफ से लग रहा है कि बीजेपी के कुछ लोग यहाँ पर आए थे, कहाँ तक सच्चाई है कहाँ तक झूठ है? जो सच है भाई, आया था विधायक, आओ उन्हें थरेड़ दी गलत बोल जाओ और डरे भंके मारे ऊपर पत्थर फंके, भाई ये बिल्कुल सच है। अगर वो मर्द का बच्चा ही बाजो, अरे दिखा दो, मैं पत्थर मार का झंडा ले रहा है भाजपा का, ठीक कह रहा है मैं? हाँ किसान यूनियन जिंदाबाद, बाबा टिकैत जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह अमर रहे। जैसे कि इस वक्त आप जो है बहुत गुस्से में हैं, जो बिल जो बजट आज सरकार ने पेश करा है, आप उसको क्या कहना चाहेंगे? किसानों के हित में कैसा लग रहा? हमने दिया कुछ भी ए बजट में, हमारा कुछ नहीं होता, पूंजीपतियों का हमें नहीं दिया कुछ भी, हमें कुछ नहीं दिया ना मोदी ने बजट में। ये तो झूठ बोल रहे हैं, 15 लाख भेज दूंगा, जुमले के जुमले के, हाँ ये झूठ जुमले, ये झूठ बोल रहे हैं भाई, हमें कुछ नहीं देता। जुमले मिलेंगे किसान, हाँ यो भाई, ये 2022 में पता लग जाएगा इन्हें, उत्तर प्रदेश में गठबंधन जीतेगा। अरे सर 2022 में आप ही लोग जिताओगे मोदी जी को, क्या कहना चाहेंगे? नहीं जिताते नहीं, हराओगे। अभी आप कह रहे हैं हरामेंगे, लेकिन आप ही जितावेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, इनका किसान जागा जागरूक होगा, नहीं जितावे, हराओगे। अगर जो है अच्छा संशोधन दे दिया किसानों को, अच्छी व्यवस्था दे दिया, तो आप ही जिताओगे, क्या कहना चाहोगे? हम जिताने के लिए जो कुछ भी दे दो, हमारा मान सम्मान को हमारा बाबा हुआ है, हम इसे जिताओ नहीं। एक बार इसे ताला धरती पर तार कर, फिर जो फिर देखी जाओगी, एक बार जो आंसू है नहीं आंसू। सर एज क्या होगी आप? है एज क्या होगी? मेरी उम्र है बेटे 68 साल। और मैं बड़े बड़े जेल भी रह रहा हूँ। मोदी जी की क्या एज होगी? मोदी जी की भाई ऐसी 65-66 होगी, और कहाँ उसकी, हाँ 65-66 होगी भाई। हाँ तो आप ही के बराबर के तो हैं दोनों, तो भाई भाई हुए ना। अरे भाई कुकर है जी, हम किसानों को फांसी पर चढ़ाने लग रहा है भाई। आप तो उनसे फिर भी बड़े लग रहे हैं। उसका जो सच बुद्धि है ना, इन तीनों काले कानून को खत्म कर दो, ठीक है क्या भाई?
क्या काम, अपने घर चले जाएंगे। इन कानून को कानून को खत्म कर दो भाई, हम अपने घर चले जाएंगे। तो मोदी जी से बात क्यों नहीं कर रहे टिकैत साहब? मोदी जी को भेज देना कल को, तू कल को मोदी जी को स्टेज पर भेज दे, कर लेंगे बात कल को। वो तो कह रहा है कि एक फोन का इंतजार है, ये इधर से एक फोन जाएगा, उधर से जो है सारी जो है। चल ठीक है, बाबा जी से बात करके फोन करवाऊंगा, आकर हमारे कानून पहले जब तक हमारे आदमी नहीं छुटके यहाँ आओगे, जो पकड़ रखे उन्होंने झूठ बोल गए, वे ट्रैक्टर यहाँ नहीं आओगे, उससे पहले बातचीत नहीं होगी। एक 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 का आदमी आओगे हमारा, और जो ये बता रहे ना कोई पत्रकार बंधु, वो आओगा सबसे पहले। हाँ वो पत्रकार, और बेटे अगर थारे खिलाफ सरकार कुछ करेगी तो हमारी छाती में। यहाँ जैसे कि पत्रकारों को भी जो है सरकार जेल में डाल रही, ऐसी क्या कहना छुटाऊंगा मैं। बाबा ठीक है, इतना कह दिया, होश में आ जाओ, होश में। ये हमारे भाई है, ये हमारे जाकर है। हम तो कारगिल में भी मरे, चाइना बॉर्डर पे भी मरे, यहाँ 150 मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? मारे वाले वहां ना मरने लग रहे, जो पत्रकार जो पत्रकार इस वक्त गिरफ्तार हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी मांग है वो हमारे बीच हो, पहले हमारे आदमी हमारे बीच हो, हमारे ट्रैक्टर नए आवे तो हम बात करेंगे ना, उससे पहले कोई बात ही नहीं। मारो ये जितने मारने चाहो। मैं एक बात बता रहा, जो मारे वालों की निगाह फिर गई ना एक घंटे के लिए, अभी जोन से कारगिल में वहाँ बैठे जो इनकी सीमा रखा रहे, अगर उनका मन बदल गया तो सोच ले देश का क्या होगा। जिसका बापू पिटेगा, जिसके भैया का गोली लगेगी, जिसकी बहन पिटेगी, वो क्या? क्या क्या वो जो पत्रकार गिरफ्तार हुआ है, क्या वो किसानों का बेटा नहीं है? हाँ, किसान है हमारा, तू भी है वो भी है, बेटा है दोनों। तो नहीं जो भी पत्रकारिता कर रहा है और उसके साथ अन्याय होगा, हमारा बेटा भाई है, उसे हम जो अपने से पहले छुटाओगे और उसकी लड़ाई हम पहले लड़ेंगे, या हम बात खुले मन से कहवा लो या कहवा लो। बहुत बढ़िया भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है किसान भाई जो है बैठे हुए हैं, पूरी गुस्सा में हैं। जब तक जो हमारे बंदे जो है इस वक्त गिरफ्तार हुए हैं उनको छुड़ाया जाए, और सही तरीके से जो जो पत्रकार गिरफ्तार हुआ है उसको भी छोड़ा जाए, क्योंकि जो है इस वक्त किसान लोग गाजीपुर के बहुत ही गुस्से में हैं। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ गंगाराम की रिपोर्ट, सच की रफ्तार।